ना ब्यूटीफुल इट, यस। सो अनदर मीन्स ऑफ ब्यूटीफुल इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, लवली एंड प्रीटी, ओके। अनदर मीन ऑफ ब्यूटीफुल इज अट्रैक्टिव, लवली एंड प्रीटी, अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज लुकिंग सो, शी इज लुकिंग सो, सो ब्लैंक हियर, सो व्हाट विल बी फील, ब्यूटीफुल इज द सेम मीनिंग, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग सो अट्रैक्टिव, शी इज लुकिंग सो लवली, शी इज लुकिंग सो प्रीटी, सो दीज मीनिंग्स आर सेम और सिमिलर, सो दिस काइंड ऑफ वर्ड आर कॉल्ड सिनोनियम्स, ओके। अब सेकेंड, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज अनहैप्पी, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अनहैप्पी, इट मीन्स सैड, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल, ओके। नाउ क्लियर, अनहैप्पी मीन्स अनदर वर्ड, सिमिलर वर्ड इज सैड, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल। सो अवर सेंटेंस इज यू आर नॉट डैश, यू जस्ट फील दैट वे, ओके। सो व्हाट वी फील, यू आर नॉट डैश, यू जस्ट फील दैट वे, वी फील ऑल वर्ड्स, यस और नो। फर्स्टली वी यूज अनहैप्पी, यू आर नॉट अनहैप्पी, यू जस्ट फील दैट वे, एंड अनदर वर्ड यू आर नॉट सैड, यू जस्ट फील दैट वे, एंड थर्ड वर्ड यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू जस्ट फील दैट वे, एंड फोर्थ वर्ड यू आर नॉट miserable, you just feel that way. All are understand what is synonyms? Good morning, beta. So we once again, the synonyms means the word with the same or similar meanings is called synonyms. For examples, blank, empty, hollow, true, right and correct, these are same, okay. Third, funny, silly and crazy. Everyone understand that? Okay, beta. Anyone?